शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने परीक्षा परिणाम को प्रकाशित किया। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो और जैक के चेयरमैन डॉक्टर अनिल कुमार महतो से इस मौके पर बात की हमारे सहयोगी अजय लाल ने, तो क्या कुछ कहा वो हम आपको सुना रहे हैं। आज पूरे प्रदेश में होल दिवस मनाया गया, खुशियां मनाई गई और इस बीच आज ही जैक ने इंटर आर्ट्स और कॉमर्स का रिजल्ट भी जारी कर दिया। इस वक्त हमारे साथ सूबे के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो हैं और इनकी खुशियों का पैमाना शायद देख नहीं पाएंगे। पूरे जब से आए हैं रिजल्ट को ऐसे ही दिखा रहे हैं, ये अब तक का सबसे बेहतर रिजल्ट हुआ है झारखंड गठन के बाद से। कॉमर्स में 92% से ज़्यादा है, आर्ट्स में 97% से ज़्यादा है। सर, मैं आपकी खुशी देख पा रहा हूँ। ऐसा है, खुशी से बोल भी नहीं पा रहा हूँ, भावुक हो जा रहा हूँ। पहले तो छात्र छात्राओं को, शिक्षकों को मैं बधाई देना चाहता हूँ, इतना बड़ा सफलता हासिल किया है। ये देन, सबसे बड़ा देन छात्र छात्राओं का है, अभिभावक का है, शिक्षकों का है, कुछ नहीं। हम इच्छा शक्ति बढ़ाने का काम करते हैं। हमने कहा ना कि पहले जो हायर एजुकेशन के लिए अच्छे कॉलेज में हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे नहीं जा पाते थे, कारण परसेंटेज, रिजल्ट का परसेंटेज। निजी विद्यालय का सब 95 रहता था, मेरे बच्चे पिछड़ जाते थे, परसेंटेज नहीं है, छांट दिया कि अब कैसे छांटेगा। अच्छे कॉलेज, अच्छे स्कूल में एडमिशन होगा और अच्छे पढ़ाई होगा, हम उसको संदेश देना चाहते हैं। ये रिजल्ट जो आया है उसे कितनी खुशी हो रही है सर? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, कारण ऐसा रिजल्ट माने इसमें हम लोग का पूरा मेहनत दिखाई पड़ा, कि शिक्षक का मेहनत, छात्र का मेहनत, सारे मंत्री महोदय जी बताए, इसलिए हम लोग सबको शुभकामना देते हैं कि उन लोग भी CBSE जैसा मार्क्स लेकर के अच्छा अच्छा कॉलेज में, अच्छा अच्छा स्कूल में भर्ती हों। कला में बिल्कुल मानसी साहा, बिल्कुल ये देखेंगे, माइक दे दीजिए, माइक तो फिलहाल टॉपर का नाम आ चुका है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इससे भी बेहतर रिजल्ट जैक देने में सफल होगा। कैमरामैन देवाशीष के साथ अजय लाल, News 11 रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।